हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि आप सबने थंबनेल ऑलरेडी देख लिया है कि पासपोर्ट बनवाना हो गया और भी आसान। तो पासपोर्ट बनाने के लिए सबको ही मालूम है कि 3 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। और सबसे पहला वाला जो स्टेप है वो ऑनलाइन पासपोर्ट सेवा केंद्र के पोर्टल पे जाके हम फॉर्म फिलअप करते हैं। और फॉर्म फिलअप करते वक्त हमारे नियर बाय पोस्ट ऑफिस, एक पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए पोस्ट ऑफिस हम सेलेक्ट करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं वहाँ से। और फिर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी हमारे नियर बाय हम कोई पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करते हैं। और जब हमें पासपोर्ट ऑफिस में एक अपॉइंटमेंट के लिए मैसेज आता है, उस मैसेज को हम फॉलो करके साथ में हम हमारे आईडी प्रूफ लेके जाते हैं, 10th का सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, और वो हमारे ओरिजिनल भी साथ में चेक करते हैं। और वो होने के बाद में हमारा थर्ड स्टेप आता है पुलिस वेरिफिकेशन। और पुलिस वेरिफिकेशन सच में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है और ये होना भी चाहिए। एक्चुअली देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि होता है यूँ कि पुलिस वेरिफिकेशन क्यों किया जाता है, क्योंकि जैसे कि हम जो उनको आईडी प्रूफ दे रहे हैं वो असली है कि नकली है वो चेक करते हैं। जैसे कि हम अभी उनको आधार कार्ड दे रहे हैं, पैन कार्ड दे रहे हैं, तो ये सब नकली भी आजकल बहुत बनता है। और तो पुलिस वाले क्या करते हैं, जब हमारे पुलिस स्टेशन से हमें वेरिफिकेशन के लिए ईमेल आता है, तो कोई कोई पुलिस स्टेशन में मतलब एक्चुअली यही होना चाहिए कि पुलिस वाले खुद ही हमारे घर पे आते हैं और हमारा एड्रेस चेक करते हैं कि हमने जो एड्रेस सबमिट किया है वो एक्चुअली राइट है या रॉन्ग है, वो प्रॉपर तरीके से मतलब चेक करते कि हमने कहीं उनको गलत तो एड्रेस नहीं दिया है। और साथ ही में वो हमारे बारे में थोड़ी सी पूछताछ भी करते हैं, हमारे थोड़े से नेबर्स होते हैं उनके साथ हमारे बारे में थोड़ी पूछताछ कर लेते हैं वो। एंड यही होती है पुलिस वेरिफिकेशन बेसिकली। बट कुछ कुछ जगह पे ये सब नहीं करते हैं, वो लोग ऐसे ही दे देते हैं। और कोई कोई बहुत ज़्यादा तंगा था यार, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। मैंने भी अभी भी पुलिस वेरिफिकेशन के नाम पे बहुत ज़्यादा मतलब लिटरली मैं 2 महीने से ऊपर हो गया मैंने अपना पासपोर्ट बनाने के लिए दिया है अर्जी, लेकिन अभी तक पुलिस वेरिफिकेशन होके भी अभी महीना हो गया है, मेरा थर्ड स्टेप अभी तक मेरे को नहीं आया है पासपोर्ट। तो ये अभी जो प्रॉब्लम अब तक हम फेस कर रहे थे वो आगे से किसी को फेस करने को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि 28 सितंबर से हमारी गवर्नमेंट ने पुलिस वेरिफिकेशन का थोड़ा सा मतलब इजी कर दिया अभी। जैसे कि अभी हमारा जो सेकेंड स्टेप है पासपोर्ट सेवा केंद्र, वहाँ पर ही हम जाएंगे ना तो वहीं हमारा पुलिस वेरिफिकेशन होगा। तो ये हमें इतना अभी पहले जैसा इतना टाइम नहीं लगने वाला है, और बहुत ही ज़्यादा इजी वे में, और बहुत ही हमारा टाइम भी इसमें कंज्यूम हो जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा अर्जेंसी होती है पासपोर्ट की। जैसे कि किसी को नौकरी के लिए होता है, किसी को उसको बाहर जाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है जॉब की तरफ से, तो इतना ज़्यादा अगर टाइम लगेगा तो क्या फ़ायदा है ना। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया है। तो इसी तरह से अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और आने वाले बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले देखने मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।